और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया एडवाइजर प्रवीण अत्रे ने रफ्तार मीडिया के डिप्टी एडिटर राजकुमार से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, जिसका शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला में आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो पंचकुला सेक्टर 5 के अंदर है, जो आपको बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी यहीं पहुंचेंगे और जो 2014 के अंदर भी नरेंद्र मोदी यहीं पहुंचे थे, जो सरकार यहां पे हरियाणा की बनाई गई थी। आज हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं, हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी। अत्रे जी, किस तरह से जो तैयारियाँ हो चुकी हैं अभी तक और कितने लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है? ऐसा है कि हरियाणा के लाखों की तादाद में लोग आएंगे माननीय नायब सिंह सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने, क्योंकि हरियाणा में किसी भी पार्टी को हरियाणा की जनता ने पहली बार ऐसा आशीर्वाद दिया है कि तीसरी बार वो सरकार बना के जनता की सेवा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि आज शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री आएंगे, अमित शाह जी रहेंगे, मनोहर लाल जी रहेंगे और अलग अलग प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री वो इस शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। किस तरह से व्यवस्था मतलब आपको लग रही है कि मतलब कि कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कितने लोगों की गैदरिंग की जो सीटिंग कही गई? देखिए, ये जो दशहरा ग्राउंड है, इसकी कैपेसिटी अगर आप मान के चले लगभग 12 एकड़ का ये ग्राउंड है, जहाँ पे पूरा इसको टेंट से कवर किया जा रहा है। तो आप मान के चलें कि लगभग 50,000 की तादाद में यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होगा। और उसके अलावा जो हमारे डिग्निटरीज होंगे, VIPs होंगे, और हमने ये प्रयास और ये इस प्रोग्राम का जो विशेष काम कि जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको आमंत्रित किया है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। हमारे जो सफाई कर्मी भाई हैं, जो हम लोगों को साफ़ सफाई मुहैया कराते हैं खुद मेहनत करके, हमने उनको आमंत्रित किया है। एक मोदी जी का की योजना थी ड्रोन दीदी, आपको ध्यान होगा, तो हमने जो ड्रोन दीदीज हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया है। और इन सब के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहाँ पे ये बैठेंगे और नई सरकार को अपना आशीर्वाद देंगे। आपने बताया कि सभी काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, क्या प्रवीण जी विपक्ष को भी न्योता दिया गया है क्या, कि कुछ और भी कई पार्टियाँ हैं जो मतलब कि हरियाणा की पार्टियाँ हैं? जी हाँ, हमने जो नेता विपक्ष जैसे और जो पार्टीज़ के नेता हैं जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है कि वो भी शपथ ग्रहण समारोह में आएं और अपना आशीर्वाद नायब सिंह सैनी जी को दें, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व करेंगे हरियाणा में। VIP मूवमेंट रहेगी, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और भी बड़े चेहरे आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि किस तरह से हेलीपैड की व्यवस्था क्या की गई है, कितने हेलीपैड बनाए जा चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था जो उनका हेलीपैड होता है वो बिल्कुल अलहदा होता है। ये एक SPG का जो गाइडलाइंस है, जो हमें जानकारी मिली है, उसकी व्यवस्था का इस तरह से रहती है। और जो बाकी VIPs हैं उनके लिए अलग व्यवस्था रहती है। तो जो सारी व्यवस्था सुरक्षा से संबंधित जो है वो व्यवस्था जिन लोगों की जिम्मेवारी लगाई है उसमें SPG जो है उसका इंटरफेयर रहता है, वो उस व्यवस्था की देखरेख करते हैं, तो ये कार्य वो देख रहे हैं। मतलब कि प्रशासन की बात करी जाए, मतलब जिस दिन से प्रोग्राम यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है काफ़ी, और कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मतलब कि सभी ने जी जान से प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। और वहीं बात करी जाए विपक्ष की, विपक्ष जिस तरह से कह रहा था कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का चुपड़ा साफ है और इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, पर उसका उल्टा हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 जो सीटें लोकसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की छीनी थी, उसके बावजूद उनका हौसला जो था कि कहीं विधानसभा में हम सरकार बना लेंगे, और आंकड़े भी जो लगाए जा रहे थे, जिस तरह से दिखाया जा रहा था, वो भी साफ तौर पे कांग्रेस का दिख रहा था, पर तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार। नहीं नहीं राजकुमार जी, अगर आपने ध्यान दिया हो, सुना हो, मैं हमेशा से चुनाव से पहले भी किसी भी TV चर्चा की बात हो, किसी मीडिया प्रोग्राम की बात हो, मैं हमेशा कहा करता था कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उसके पीछे बहुत से कारण थे। जो आपने लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात की है, देखिए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह का झूठ बोल के एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी, जैसे संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये ऐसा झूठ लगातार कांग्रेस के नेता बोलते रहे, तो उसकी वजह से जो हरियाणा के अंदर नतीजे आए वो हमें ऐसी नतीजों की हम उम्मीद नहीं करते थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव शुरू हुआ तो हमने कांग्रेस के इस झूठ की पोल तथ्यों के साथ जनता के सामने रखी। हमने अपनी सरकार में जो काम किए थे, देखिए 2014 में जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बने थे, मनोहर जी ने उस वक्त जो पहले की व्यवस्था हरियाणा में चली आ रही थी, भाईभतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उसको पूरी तरह से बदल दिया, हरियाणा की जनता को एक पारदर्शी सरकार दी। फिर नायब जी ने जब बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, उन्होंने अपने 56 दिन के कार्यकाल के अंदर 126 निर्णय जनता के हित में लिए, बड़े बड़े फैसले किए,
और जब जनता ने 2014 से पहले कांग्रेस के सरकार का कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल उसकी आपस में तुलना की तो लोगों ने पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किए हैं। युवाओं को बिना पर्चे बिना खर्ची पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर नौकरी देना हो, किसानों की खेती को जोखिम फ्री करना हो, भावांतर भरपाई योजना जैसी योजना लेके आए। हरियाणा में किसानों के लिए लगभग 50 योजनाएँ चलाई जिसका लाभ किसान भाइयों को हुआ, किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा। ये और 14 फसलें एमएसपी पे खरीदनी शुरू की मनोहर जी ने, बाद में नायब जी ने 24 फसलें एमएसपी पे खरीदने की बात कही और उसका फायदा किसान भाइयों को सीधे रूप में मिला। और आर्थिक क्षेत्र में बात करें, हरियाणा की जीएसडीपी 2014 के मुकाबले 3 गुना से ज़्यादा हो गई, हमारा एक्सपोर्ट जो है 5 गुना से ज़्यादा हो गया, पर कैपिटा इनकम हमारी 3 गुना से ज़्यादा हो गई। तो ये जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में काम किए, नतीजा ये हुआ कि जनता ने हमें तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। साफ तौर पर कहा जाए कि नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल की जो जोड़ी थी उसने कमाल कर दिया, और जो लोग जनता थी उन्होंने जो नीतियाँ थी जो योजनाएँ थी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी ने जो शुरू की थी और नायब सिंह सैनी की जोड़ी ने कमाल कर दिया, और जो तीसरी बार है आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मनोहर जी जो एक शिल्पकार थे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे थे, उनका जो नेतृत्व है वो हमें प्राप्त हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे चलाई उसका लाभ हरियाणा की जनता को हो रहा था। फिर मनोहर जी ने बतौर मुख्यमंत्री अलग अलग योजनाएँ लेके आए, उन योजनाओं का लाभ हरियाणा की जनता को हुआ। फिर नायब सिंह सैनी जी ने उन योजनाओं को ज़मीन पर बेहतरीन ढंग से उतारा, लगभग 126 निर्णय, 500 रुपये का गैस सिलेंडर, किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ जो बोनस है वो देना शुरू किया क्योंकि औसत से कम बारिश इस सीजन में हुई थी। तो ऐसे बहुत से निर्णय थे जो नायब जी ने लिए। तो केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी का नेतृत्व और मनोहर जी और नायब जी की कार्यशैली, इन सब का परिणाम ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। प्रवीण जी, 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी यहीं पे पहुंचे थे, यहीं इसी मंच से जो सरकार थी गठित की गई थी और जो शपथ ग्रहण समारोह था, और आज 2024 के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी यहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी तो पहली बार जनता ने हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनवाई थी। जनता ने हमें पहली बार ये अवसर दिया था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ जनता की सेवा करें। तो माननीय मोदी जी जो हैं उस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में आए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बन रही है, जो पहली बार किसी राजनीतिक दल को हरियाणा के लोगों ने ये अवसर दिया है। तो माननीय मोदी जी जो हैं, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र की बात करें, किसी प्रदेश की बात करें, चहुमुखी विकास कर रही है और हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से सम्मान की दृष्टि से लिया जाता है, जो पहचान भारत को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिली है वो हम सब देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि आज शाम को एक विशेष बैठक होने वाली है, उसमें क्या क्या मामले रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे और कौन कौन शामिल होने वाले हैं? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले बैठक का एक बात और उद्देश्य तो ये है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका प्रोग्राम वो किस तरह से संचालित होगा, किस तरह से प्रोग्राम को और भव्य बनाया जाए। उसके साथ साथ सरकार संबंधी निर्णय होते हैं, मंत्रिमंडल का जो गठन है, विधायक दल की बैठक है, ये सारी चीज़ें जो है इनकी सबकी चर्चा होती है बैठक में। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी, जिन्होंने बताया सारे कार्यक्रम की जानकारी दी। कैमरामैन ट्विंकल के साथ राजकुमार सिंह, रफ्तार मीडिया के लिए पंचकुला से।